वर्तमान समय में कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर देवास ने पूरे जिले में लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान विभिन्न प्रतिबंध आदेशों के तहत बड़े स्तर पर वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित करने पर प्रतिबंध के बावजूद लोग इस महामारी को अनदेखा कर बड़े स्तर पर विवाह के आयोजन कर रहे हैं। प्रतिबंध के बावजूद और लॉकडाउन के चलते बागली के अनुविभाग के हाटपिपलिया में शुक्रवार शाम को एक दूल्हे का जुलूस निकल रहा था। प्रशासन को सूचना मिलने पर प्रशासन अमला मौके पर पहुंचा और दूल्हे और मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ प्रशासन की यह पहली कार्यवाही देखने को मिली। प्रशासन ने हाटपिपलिया में स्थित सिद्धि विनायक मैरिज गार्डन संचालक और दूल्हा राहुल उर्फ लड्डू पिता विजय सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण को देखते हुए देवास जिले में भी प्रतिबंधित आदेश जारी किए गए हैं, जिसके तहत सार्वजनिक रूप से शादी विवाह के कार्यक्रमों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। लॉकडाउन का पालन कराते समय दिनांक 22/4/21 को रात के समय हमें एक बारात दूल्हे और लगभग 50-60 बारातियों के साथ जाती दिखाई दी, जिसमें दूल्हा राहुल पिता विजय सिंह सप्तावत घोड़ी पर बैठकर सिद्धि विनायक गार्डन मैरिज गार्डन में शादी के लिए जा रहा था। जब इस गार्डन में हमने चेक किया तो गार्डन में स्टेज लगा हुआ था और जब दूल्हा वहाँ पहुँचा तो फोटोग्राफी और लगभग 70-80 से लेकर 100 लोगों के बीच की गैदरिंग हमें वहाँ पर मिली। चूँकि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट आदेशित किया गया है, इसी वजह से हमने इस मामले में दूल्हा राहुल पिता विजय सिंह सत्तावत और मैरिज गार्डन संचालक संतोष पाटीदार के विरुद्ध धारा 187, 188, 269, 270, 271 निषेधाज्ञा उल्लंघन और कोरोना संक्रमण बीमारी फैलने के लोगों की जान जोखिम में डालने पर से कायम किया है। इसके अलावा महामारी अधिनियम की धारा 3 और आपदा प्रबंधन की धारा 51 के तहत पंजीकृत कर लिया है और इस अपराध की विवेचना की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।